आपने मार की क्या कार, बहुत बड़ा हत्याकांड है। हम लोगों की जो डिमांड है सेफ्टी को लेकर, अगर वो डिमांड जब तक पूरी नहीं हो जाती हम लोग तब तक स्ट्राइक पे बने रहेंगे। अब हमें ही मार दिया जाएगा तो हम कैसे डर में काम करेंगे। एक समय था जब लड़कियों को बोला जाता था कि ये सबसे सेफ प्रोफेशन है फॉर गर्ल, लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है। जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो क्राइम हुआ है, उसके लिए सीबीआई की जांच जल्द से जल्द दी जाए। जब तक सीबीआई की जांच नहीं मिलती है तब तक हम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे। बहुत देर कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, अगर उनको सीबीआई इंक्वायरी करनी है तो बहुत जल्दी देना चाहिए, क्योंकि जो सराउंडिंग में प्रूफ रहते हो प्रूफ ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। कोलकाता में 9 तारीख को रात में 3 से 6 के दरमियान हमारी एक महिला डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी। 36 घंटे के ऑलरेडी वो शिफ्ट पे थे। उस दौरान हमारी महिला डॉक्टर पे रेप किया गया, ये इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट करता है। पोस्टमार्टम में ऐसा मेंशन किया गया है कि वो महिला के प्राइवेट पार्ट से खून निकला था, वो नाक से खून निकला था, आंख से खून निकला था और उनके शरीर पे बहुत सारे जख्म थे। ये जो हत्याकांड है ये निर्भया के बाद का अपने भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा हत्याकांड है, मतलब ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो इस घटना के साथ में हमारे नेशनल लेवल जो हमारा संगठन है उन्होंने एक पैन इंडिया स्ट्राइक का नोटिस निकाला था। वो स्ट्राइक में हम सारे बाकी स्टेट्स के लोग, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल और कश्मीर, ऐसे हर स्टेट से लोग वहाँ पे हर जगह पे अपना आंदोलन पे बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र में आज सारे मेडिकल कॉलेज, सारे निवासी वैद्य अधिकारी वो आज से काम बंद आंदोलन पे है। हमारी मांगे ऐसी है कि हमारे बहन, हमारी भारत की बेटी के साथ जो एक अन्याय हुआ है उसको कहीं तो भी न्याय मिले, इसके लिए हमारा एक छोटा सा कोशिश है। और हम आपके मार्फत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये विनंती करते हैं कि आप वो मैटर में दखल दीजिए और तुरंत के तुरंत वो मैटर में सीबीआई इंक्वायरी बिठाए। आरजीगढ़ मेडिकल कॉलेज के जो भी लोग हैं उनकी डिमांड है कि प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन उनको चाहिए, एसओटी का रेजिग्नेशन उनको चाहिए और जो भी लोग इन्वॉल्व है उनको फांसी देनी चाहिए। तो ये उनकी सारी डिमांड्स कंप्लीट होनी चाहिए। और डॉक्टर्स के लिए आजकल हर दिन कोई ना कोई घटना होती है, तो उसके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए और उसके तहत डॉक्टर सेफ महसूस करें और अपने और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ लोगों की सेवा करें। आरजीगढ़ मेडिकल कॉलेज कोलकाता, वहाँ पे हमारी एक रेसिडेंट निवासी डॉक्टर के साथ ही बहुत गलत चीज़ हुई है। अगर हम हमारे घर में ही सेफ नहीं है, जितना डॉक्टर घर पे नहीं रहता है उससे ज़्यादा तो वो हॉस्पिटल में रहता है, ये हमारे लिए सेकंड होम है। अगर हम यहाँ पे ही सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ है? तो हम सरकार से और कुछ नहीं मांग रहे, हम बस हमारी सेफ्टी मांग रहे हैं। दिन रात जब हम पेशेंट की सेवा कर रहे हैं सरकार हमें उसी के लिए रख रहा है, बट हमारी सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हमारे घर वाले सरकार के भरोसे हमें यहाँ भेजते हैं और अगर हम ही सेफ नहीं है तो फिर हम आगे हमारा काम कैसे करेंगे? कब तक स्ट्राइक शुरू होगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, क्योंकि जो वहाँ पे हुआ है अभी तक हमें जस्टिस नहीं मिला है, ना कल्प्रिट पकड़ा गया है, ना उनके फैमिली को कोई कंपेंसेशन मिला है। तो हम चाहते हैं कि बस जस्टिस हो, जब हमें जस्टिस मिल जाएगा हमारे साइड से हम स्ट्राइक बंद कर देंगे।
वहाँ का प्रिंसिपल था जिसने इस पर अशब्द बयान उसने किया है, उनको क्या हुआ? ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र की मांग नहीं है, उनकी टर्मिनेशन की मांग है। और जिसको क्रिमिनल को पकड़े है उसको हमें चाहिए कि उसे डेथ सेंटेंस मिले, और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हम चाहते हैं कि लागू हो। और हम जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम जस्टिस की मांग कर रहे हैं और ओपीडी नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बता दें कि इमरजेंसी और ट्रॉमा सेवाएं हैं, ओपीडी इलेक्टिव चीज़ें हैं, आप आज नहीं तो कल दिखा सकते हैं। इमरजेंसी हमने बंद नहीं किया, ना कभी करेंगे। हम क्या मांग कर रहे हैं? हमारी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमको सरकार दे दे, ताकि हमारी हम भी काम करें तो बचाव के उस पर काम करें कि हमारे कोई है हिफाजत करने वाला। ठीक है, अब हमें ही मार दिया जाएगा तो हम कैसे डर में काम करेंगे? ये 8 अगस्त को हुआ सर, आज 13 अगस्त हो गया। ये आपको ही पता है कि 5-6 दिनों में गवर्नमेंट कुछ नहीं की है सर अभी तक। अगर वो करते तो हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती सर। एज ए नोबल प्रोफेशनलिस्ट हम अपने ड्यूटी पे होते सर, और अभी भी हम 24 आवर अपना ड्यूटी करके यहाँ खड़े हैं। हमारे जूनियर ड्यूटी कर रहे हैं कि हमारे लोग जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको परेशानी ना हो, जो दूर दूर से आते हैं यहाँ पे मरीज, नेपाल से आते हैं, झारखंड से आते हैं, यूपी से आते हैं, उनका जो इमरजेंसी सर्विसेज है हमारे ही कलीग वो सारे दे रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं सर वहाँ पे। बट हमें सर एटलीस्ट एट वर्क प्लेस हमें अगर सेफ्टी नहीं मिलेगी देन हाउ कैन वी वर्क, हम नहीं कर पाएंगे। एक समय था जब लड़कियों को बोला जाता था कि ये सबसे सेफ प्रोफेशन है फॉर गर्ल, लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ बदसलूकी हो रही है, उनको रेप करके मर्डर कर दिया जा रहा है, वो भी द डॉक्टर हुई ऑन ड्यूटी। तो सर ये बिल्कुल डाइजेस्टेबल नहीं है। ये मामला इतना गंभीर है कि एक महिला जो कि काम पे थी उनके साथ ब्रूटली उनका मर्डर किया गया, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। अभी देखिए समाज में महिला और पुरुष सामान्य मानते हैं हम लोग, हर महिला वर्क करती है, काम करती है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई IAS है, कोई IPS है। अगर महिलाएं वर्क प्लेस पे उनके साथ ऐसी गंभीर दुर्घटना हो जाती है तो महिलाएँ कैसे काम करेंगी, कैसे घर से बाहर अपने आप को कैसे सेफ फील करेगी? तो गंभीर समस्या है, गंभीर मसला है। इसीलिए हम लोगों की जो डिमांड है सेफ्टी को लेकर, अगर वो डिमांड जब तक पूरी नहीं हो जाती हम लोग तब तक स्ट्राइक पे बने रहेंगे। चाहे इस इंसिडेंट को लेकर जो हमारी डिमांड है कि हमारी महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो क्राइम हुआ है, उसके लिए CBI की जाँच जल्द से जल्द दी जाए। जब तक CBI की जाँच नहीं मिलती है तब तक हम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे।